मणिपुर जल रहा है लेकिन वो केरल में जाके रैली कर रहे हैं, तो कितना रिड्यूस कर देते हैं वो लोग पॉलिटिक्स को इलेक्शन तक ही, वो दिखता है। अगर जो प्रॉमिसेस वो इलेक्शन में करते हैं, जो भाषण देने के टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें जब कुछ सच्चाई होती तो ग्राउंड पे आके ये सब की बात करते, मणिपुर की बात करते, वो यहाँ रेसलर्स बैठे हैं उसकी बात करते, जो रेप हो रहे हैं उसकी बात करते, लेकिन नहीं। अभी हम दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद है, देश की बेटियाँ जो देश का गौरव होती है आज वो धरने पर बैठ गई, कुछ बेटियाँ कागज लेकर खड़ी हैं बृजभूषण को अरेस्ट किया जाए। क्या लगता है बृजभूषण अरेस्ट हो जाएंगे? उम्मीद तो रहे, बृजभूषण से मोदी जी अमित शाह जी सब डरते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन हैंडल बृजभूषण कर रहा है, क्या लगता है बृजभूषण अरेस्ट होगा? अगर जिस तरीके से वो लोग नारी शक्ति, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ऑन टेलीविजन, अगर वो बचा है देश में तो बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। कानून अगर है तो बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। कानून होता तो पहले से भी 36 धाराएं, 36 केस हैं उन पर, पहले ही से अरेस्ट हो चुके होते। लेकिन आज भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां का रेप कर नाला में फेंक दिया जाता है, कई बेटियां का रेप कर बोरा में भर दिया जाता है। आप भी सुरक्षित नहीं, आप यहां हैं, क्या पता आपको कोई किडनैप कर ले जाए, रेप कर फेंक दे। बिल्कुल, और है ये सिचुएशन है जिस तरीके से वो लोग बात करते रहते हैं नारी शक्ति की, लेकिन ये बोला है प्रधानमंत्री ने कि अगर 12 बजे आज लड़कियां निकले घर से तो वो सेफ रहेगी, तो वो नहीं है, रियलिटी कुछ और है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब धरने में बैठे हैं हम लोग और बहुत समय से बैठे हैं, तो ये धरना तब तक रुकेगा नहीं जब तक बृजभूषण अपना इस्तीफा नहीं देगा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, सिर्फ इस्तीफा देने से धरना खत्म हो जाएगा? उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्या रेप किए होना चाहिए? बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इस्तीफा देना वहाँ एक पहली डिमांड है उनकी, उसके साथ साथ अरेस्ट की भी डिमांड है। अरेस्ट करना वो कानून के अंदर आता है, अरेस्ट करना वो स्टेट के अंदर आता है, तो वहाँ पर केस हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे, ये लोग केस बिल्कुल लड़ेंगे, अगर इतने महीनों से बैठे तो केस लड़ने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर भी कनेक्शंस, वहाँ पर भी जिस तरीके का इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उसको बचाया जा रहा है बृजभूषण को, हम स्टार्टिंग से आपने बोला है कि पार्टी का लोग डरता है उससे, तो बहुत कम चांसेस तो है ही कि वो अरेस्ट होगा। वो जिस तरीके से अपने कमरे में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है और उसको कुछ नहीं करा जा रहा है, तो कम चांसेस है अरेस्ट होंगे। लेकिन पहली डिमांड के साथ है कि वो इस्तीफा दे, उसके साथ बिल्कुल केस लड़ा जाएगा उसको अरेस्ट कराने के लिए। ये है नए भारत की कहानी। इस भारत में बेटियां सड़क पर रहती हैं, जिस बेटिया को घर में होना चाहिए था, जिस बेटिया को पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो बेटिया आज धूप में 50 डिग्री सेल्सियस में खड़ी है। क्या कहिएगा बृजभूषण के बारे में? वो तो गोली लेकर एसपी को सटा देते हैं, क्या लगता है जेल जाएंगे वो? अरे यार, जेल तो जाएंगे, ठीक है, ये उठेंगे नहीं ये लोग, हम भी बैठेंगे नहीं। हम लोग 50 डिग्री और 60 डिग्री हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। देखो, जब फार्म लॉज आए थे तब भी यही लगता था ना कि फार्म लॉज तो हटेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा। कितने देर तक किसान बैठे रहे, किसान के साथ कितने सपोर्टर्स आए, फार्म लॉज हटेगी नहीं हटे, बृजभूषण जाएंगे। यानी भारत की नारी है आपको झुका कर रहेगी, और ये धरना भारत की उस नारी का है जो मेडल लाती है दूसरे देश से, जो तिरंगा को दूसरे देश लहराती है। एक भाई है, क्या लगता है बहन को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो धरना हम लोग दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, ये हम सब के सहयोग से ही होगा। हम सब जब तक हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कुछ होगा नहीं, ठीक है। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे उनको न्याय। धरना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल की जा रही है। हर जगह जहां हम धरना देते हैं, आप देखिए कि कॉलेजों के कैंपस में गुंडे घुस जाते हैं, हम लोग धरना देते हैं। यहां भी गुंडे, बहन से पूछेंगे, यहां भी कुछ गुंडे घुसे थे कुछ दिन पहले और बदनाम हो गए थे ये धरना पर बैठी बहन सब। क्या कहिएगा उस गुंडे को? क्या उस गुंडे के घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे यार, उसके घर में माँ बहन अगर होंगी तभी वो रिस्पेक्ट करेगा क्या औरतों की? ये क्या से, ये मेरे को तो ये बहुत बकवास लगता है लॉजिक, कि अगर तुम्हें दूसरों से एम्पेथाइज करने के लिए तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं होनी चाहिए। बेसिक एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करो ना उसको, ट्रीट देम लाइक यू विल ट्रीट अ मैन, ट्रीट देम लाइक यू विल ट्रीट समवन एल्स। वो सिर्फ एक औरत है तो उसे क्या मतलब अलग ट्रीट करने लग जाओ, ये तो गलत बात है। नरेंद्र मोदी जी, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक बेटियाँ बच रही है भारत? भाषण तो वो बहुत देते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कहाँ है? अगर होता उस भाषण में अगर सच्चाई होती तो ये सच्चाई होती कि वो रेसलर्स की बात करते हैं। आज रजौरी में हमला होता है, जवान शहीद हो जाती हैं, दिल्ली में बेटियां धरना पर बैठी हैं लेकिन वो केरल में जाकर रैली कर रहे हैं। भाई देश में भाई सब बहुत कुछ हो रहा है लेकिन वो केरल में जाके रैली कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है लेकिन वो केरल में जाके रैली कर रहे हैं, तो कितना रिड्यूस कर देते हैं वो लोग पॉलिटिक्स को इलेक्शन तक ही, वो दिखता है। अगर जो प्रॉमिसेस वो इलेक्शन में करते हैं, जो भाषण देने के टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें जब कुछ सच्चाई होती तो ग्राउंड पर आके ये सब की बात करते, मणिपुर की बात करते, वो यहाँ रेसलर्स बैठे हैं उसकी बात करते, जो रेप हो रहे हैं उसकी बात करते, लेकिन नहीं कर रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है भारत? बिल्कुल नहीं है।
होती तो ये सिचुएशन नहीं होती ना, होती तो यहाँ पे बैठना नहीं पड़ता महीने महीने तक सिर्फ इंसाफ के लिए।